नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। बिहार के अपूर्व राघव बिहार सहित पूरे देश का नाम ऊंचा किए हैं। एनटीए ने बुधवार को नीट 2019 के नतीजों का ऐलान कर दिया। राजस्थान के नलिन खंडेलवाल ने 720 में 701 अंक लाकर पूरे देश में अव्वल किया है। इसमें बिहार से भी दो परीक्षार्थियों ने टॉप 50 में जगह पाया है। इसमें बेगूसराय के अपूर्व राघव एवं नालंदा के गौतम का नाम सम्मिलित है। अपूर्व राघव पूरे बिहार के टॉपर हैं। बेगूसराय के रामदीरी गांव के अपूर्व राघव को 26वां जबकि नालंदा के सारे गांव के गौतम को 32वां रैंक प्राप्त हुआ है। पटना के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कामयाबी प्राप्त किया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम में प्रबंध निदेशक आलोक कुमार के पुत्र अपूर्व को 720 में 690 अंक मिले हैं। वहीं रांची के एक निजी कंपनी में कार्यरत नालंदा के गौतम ने 687 अंक प्राप्त किए हैं। परिणाम में इस बार 3% की गिरावट आई है। गौरतलब है कि नीट 2019 में सम्मिलित होने के लिए बिहार से 83,814 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इन पंजीकृत विद्यार्थियों में 76,536 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनमें से 44,092 परीक्षार्थियों ने क्वालिफाई किया है। आपको बता दें कि बिहार के परिणाम में इस दफा गिरावट आई है। दरअसल पिछले वर्ष 605% परीक्षार्थियों ने कामयाबी पाई थी, लेकिन इस बार 5,061 परीक्षार्थी ही कामयाब हुए। पिछले वर्ष नीट में बिहार की कल्पना ने पूरे देश में पहला पायदान हासिल किया था। काउंसलिंग के लिए अब तैयार रहना चाहिए वैसे स्टूडेंट को। नीट के परिणाम में सफल अभ्यर्थी को मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए अंकों के आधार पर काउंसलिंग के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। परिणाम के बाद अब एमसीसी के होम पेज पर काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग के होम पेज पर नज़र रखना पड़ेगा और जो यहाँ शेड्यूल दिया गया उसके मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।